ऊना में अदालत के आदेश पर ऊना जिले में रेलवे की भूमि की नीलामी के लिए मुनादी शुरू हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के आदेश पर तहसीलदार ऊना द्वारा ये मुनादी करवाई जा रही है। रेलवे की करीब 62 लाख रुपए का भुगतान प्रभावितों को करना था, लेकिन निर्धारित समय में मुआवजा राशि की अदायगी न होने के कारण रेलवे की भूमि को जब्त करके उसे नीलाम करके रेलवे लाइन से विस्थापित व प्रभावितों को मुआवजा राशि अदा की जाएगी। ऊना में अदालत के आदेश पर ऊना जिले में रेलवे की भूमि की नीलामी के लिए मुनादी शुरू हो गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के आदेश पर तहसीलदार ऊना द्वारा ये मुनादी करवाई जा रही है। रेलवे के करीब 62 लाख रुपए का भुगतान प्रभावितों को करना था, लेकिन निर्धारित समय में मुआवजा राशि की अदायगी न हो पाने के कारण रेलवे की भूमि को जब्त करके उसे नीलाम करके रेलवे लाइन से विस्थापित व प्रभावितों को मुआवजा राशि अदा की जाएगी। नोटिस के मुताबिक 28 फरवरी को कोटला कला तथा 5 मार्च को त्यूड़ी गांव में रेलवे की भूमि की नीलामी होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग द्वारा रेलवे के कब्जे में ली गई भूमि की औपचारिक नीलामी के लिए मुनादी की कार्यवाही शुरू कर दी है। संबंधित क्षेत्रों में नोटिस चस्बा दिए जा रहे हैं। इस भूमि की न्यूनतम कीमत निर्धारित करके न्यूनतम मूल्य से ही बोली शुरू हो जाएगी। जो भी इच्छुक बोलीदाता सबसे अधिक बोली की कीमत रखेगा उसे ये संपत्ति दे दी जाएगी। ये जमीन ऊना में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, वहीं दूसरी जमीन ऊना के त्यूड़ी गांव में मौजूद है। जमीन कुल 80 कनाल के करीब है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये जो ऑर्डर है माननीय अदालत की तरफ से हमें रेलवे विभाग की जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करने बारे प्राप्त हुए हैं। रेलवे विभाग ने जो अपनी लाइनें बिछाने के लिए लोगों की जो ज़मीन है वो खरीदी थी, लेकिन उचित मुआवजा ना मिलने के कारण उसमें जो कुछ किसान हैं वो अदालत चले गए थे, जिसमें संज्ञान लेते हुए जो अदालत ने रेलवे विभाग की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने वाले आदेश दिए थे। और इस चरण को आगे बढ़ाते हुए आज जो दिनांक 6/2/2020 को इसकी जो प्रोक्लेमेशन जो है वो की गई है, डिंडोरा पिटवाकर गांव में लोगों को बताया गया है कि दिनांक 28/2/2020 को इस प्रॉपर्टी की महाल कोटल कला में नीलामी की जाएगी और लोग जो है वो इसमें आके अपनी जो है वो बोली दे सकते हैं। तो ये रेलवे की भूमि महाल कोटला कला में लगभग 58 कनाल के करीब है, जो कि रेलवे लाइन के आसपास ही है, रेलवे स्टेशन के साथ ही लगती है, ये लगभग 58 कनाल के करीब है। तो आज से इसकी नीलामी की प्रक्रिया सर शुरू हो गई है। हमने गांव में जाकर डिंडोरा पिटवा दिया है कोटला कला और इसके आसपास के गांव में कि 28 तारीख को होने वाली नीलामी में लोग जो है वो हिस्सा ले सकते हैं।